लास्ट क्लास में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का डिस्कस किया था, आज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर हो गया तो डायोड का डायोड तक खत्म हो जाएगा अपने को, पूरा डायोड तक, मतलब फर्स्ट पार्ट, मतलब थ्री पार्ट्स की जैसा सीखना होगा, सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रांसिस्टर, लॉजिक गेट्स, थ्री पार्ट्स, थ्री क्वेश्चंस का। तो फुल वेव रेक्टिफायर से डायोड खत्म हो जाएगा, और कल से इसे दिवाली हॉलीडेज का है ना, तो हॉलीडेज होने के बाद ट्रांसिस्टर्स को स्टार्ट करेंगे और लॉजिक गेट्स मैक्सिमम वन वीक का। हॉलीडेज के बाद एक सिक्स क्लासेस में मॉडर्न फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा और ये चार दिन में हॉलीडेज बोल के रिलैक्स तो मत हो जाओ, ये चार दिन में मैं काम बताता हूं तुम लोगों को। देखो ये फोर डेज में ना तुम लोग को मुझे आने तक ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, ये थ्री सेकेंड ट्रैक का, और फर्स्ट ट्रैक में रोटेशनल मोशन। तुम लोग पूरा दिन पढ़ो, आधा पढ़ो, सेलिब्रेशंस करके बाद में पढ़ो, या तो पढ़ के सेलिब्रेशंस कर, कुछ भी कर लो, मगर ये चार दिन टाइम वेस्ट नहीं करना। इसकी वजह से संडे के एग्जाम भी नहीं रख रहे हम लोग। तुम लोग चार दिन अगर अच्छे से यूज करेगा तो इसमें बेनिफिट क्या है ना, रोटेशनल मोशन का थ्री क्वेश्चंस, ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर मिला के थ्री क्वेश्चन, मतलब सिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस 24 मार्क्स का प्रिपरेशन होगा चार दिन, क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ है तीन, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा पहले हुआ था, मगर फर्स्ट रोटेशनल मोशन से स्टार्ट करो। कल परसों दो दिन तो पूरा रोटेशनल मोशन का देना, दो दिन में एटम्स और न्यूक्लियर एक दिन में हो जाएगा, ड्यूअल नेचर एक दिन का, वैसा डिवाइड करके अगर तुम लोग पढ़ाई करेगा चार दिन में, चार मतलब तीन चार, चार टॉपिक की बोला था मैंने, चार दिन, कितना भी टाइम लगने दो मगर परफेक्शन होना चाहिए। बाद में तुम लोग को इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो ये चार दिन अच्छे से यूज करके 24 मार्क्स का प्रिपेयर करके आना है। फोर चैप्टर समझ गया ना, यही तुम्हारा दिवाली का वर्क है। सेलिब्रेशंस को सही करके थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करेगा, इसका इफेक्ट लास्ट में पता चलेगा तुम लोग को। तो तुम लोग एचआर पढ़ना। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर का सेम टू सेम ऑर्डर में सीखने का। हाफ वेव रेक्टिफायर में सभी पॉइंट्स लिखा था पहले, बाद में सर्क्यूट डायग्राम, बाद में वर्किंग, और लास्ट में उसका फार्मूला सेम वैसे ही है। हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया ना, आवाज फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड ही यूज कर रहा था, सिंगल डायोड। फुल वेव रेक्टिफायर में ना दो डायोड्स यूज करना चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड्स आर यूज, हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड्स, वही फर्स्ट पॉइंट, टू जंक्शन डायोड्स आर
यूज्ड, दो जंक्शन डायोड्स को यूज करना, टू जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड। तो और इसमें दो डायोड्स है ना, दोनों भी सेंटर टैपिंग, सेंटर टैपिंग यूज करके कनेक्ट करना। बोथ डायोड्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग सेंटर टैपिंग यूज करके दोनों डायोड्स को कनेक्ट करना चाहिए। ये क्या है सेंटर टैपिंग, मतलब कभी भी डायोड्स ने कोई भी दो डिवाइसेस को अगर सेंटर टैपिंग से कनेक्ट किया होगा, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय सेंटर टैपिंग यूज करके अगर दो डिवाइस को कनेक्ट किया है, दोनों डिवाइस ऑपोजिटली काम करेगा, बोथ द डिवाइस विल वर्क इन ऑपोजिट मैनर, वो सेंटर टैपिंग का। ये क्या ऑपोजिट मैनर, मतलब अपना घर में भी देखो, घर में ना बेडरूम है, ये स्विचेस रहता है, देखो फैन और लाइट के लिए दो स्विचेस रहेगा, एक मेन बोर्ड में और एक बेड के साइड में, और ये दोनों ऑपोजिटली रहेगा तभी काम करेगा, मतलब एक ऑन पे रहेगा तो एक ऑफ में रहना, एक ऑफ में है तो एक ऑन, दोनों ऑन करो फैन नहीं मूव होगा, दोनों ऑफ करो नहीं होगा, वो सेंटर टैपिंग का कनेक्शन। सेंटर टैपिंग मतलब बोथ डिवाइसेस विल वर्क इन ऑपोजिट मैनर, द सेम फिनोमिना फुल वेव रेक्टिफायर में भी यूज करना चाहिए। देखो पॉइंट एक बार लिखता हूं, बाद में फिर से बताता हूं। देखो ये देखो दोनों डायोड्स सेंटर टैपिंग यूज करके कनेक्ट करना, सेंटर टैपिंग की वजह से दोनों डायोड्स ऑपोजिट मैनर, मतलब एक डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में समझो, दूसरा डायोड रिवर्स बायस में होगा। फर्स्ट डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, सेकेंड डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। इफ वन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, देन द अदर डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। व्हेन कनेक्टेड बाय यूजिंग सेंटर टैपिंग यूज करके कनेक्ट करने के वजह से एक डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो दूसरा डायोड
रिवर्स बायस में आएगा, कनेक्टेड बाय यूजिंग सेंटर टैपिंग। ये अपने को पॉइंट्स का, तो आउटपुट लोड रेसिस्टेंस के पास लेना है वो तो पॉइंट मालूम है। आउटपुट इज ऑलवेज टेकन अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। ये अपने को पॉइंट्स का, सुनो एक बार फिर से वन बाय वन पॉइंट्स को देखो। हाफ में मैं सिंगल डायोड यूज किया था, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स यूज करना, मगर दोनों डायोड्स सेंटर टैपिंग यूज करके कनेक्ट करना चाहिए। ये सेंटर टैपिंग की वजह से दोनों डायोड्स अपोजिट मैनर में काम करेगा। अपोजिट मैनर मतलब फर्स्ट डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में समझो, सेकेंड डायोड रिवर्स बायस में काम करेगा। फर्स्ट डायोड अगर रिवर्स बायस, सेकेंड डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और आउटपुट हर बार लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेना चाहिए। अब इसका सर्क्यूट डायग्राम करो। फर्स्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इनपुट एसी, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो डायोड्स D1 D2, सेंटर टैपिंग का, ये सेंटर टैपिंग का सिंबल, ग्राउंडिंग, ये ग्राउंड करना, आउटपुट के लिए लोड रेजिस्टेंस। ये अपने को आउटपुट, ये सर्क्यूट डायग्राम अपने सेंटर टैपिंग का, दो डायोड्स और लास्ट में आर, ये एक्स एंड वाई, ये सर्क्यूट डायग्राम का, समझ गया ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टू डायोड्स, ये सेंटर टैपिंग का सिंबल, ये है ना, टच नहीं हो रहे दोनों का, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के पास। अब इसका वर्किंग का देखो, वर्किंग इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आउटपुट का पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, बाद में वो नोट्स बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, अपर डायोड के पास जाएगा, इनपुट ऑलवेज रीचेस अपर डायोड, इनपुट ऑलवेज रीचेस द अपर डायोड। D1 D2 बोल के नहीं लेना है, सिर्फ मैंने ऐसा लिया था, मगर अपर डायोड लोअर डायोड बोल के ही पढ़ना, क्योंकि एक साल अपने को है ना एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, डायग्राम भी दिया है, इसको D2 रखा था, इसको D1 रखा था, मतलब वर्किंग पूरा रिवर्स हो जाएगा ना आंसर, तो इसलिए D1 D2 बोल के नहीं पढ़ना।
अपर डायोड लोअर डायोड ऐसे ये पढ़ना, और इनपुट हर बार अपर डायोड को जाएगा, इनपुट ऑलवेज रीचेस द अपर डायोड फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ साइकिल। तो ये पी साइड एन साइड प्लस पी साइड गया है फॉरवर्ड बायस, डी वन फॉरवर्ड डी टू रिवर्स, पॉजिटिव ऑफ साइकिल गया तो डी वन फॉरवर्ड बायस डी टू रिवर्स बायस, मतलब इस ये ओपन सर्क्यूट बनेगा ये पूरा सर्क्यूट। तो करंट कैसा होगा, ये करंट का डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसा आएगा क्या, नहीं रिवर्स बायस ना, ये नहीं आएगा, कंटिन्यू होगा। करंट का डायरेक्शन एक्स टू वाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन एक्स टू वाई, तो डायरेक्शन आउटपुट आया है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल, तो डी वन रिवर्स बायस, डी वन रिवर्स बायस, डी वन रिवर्स बायस, डी टू फॉरवर्ड बायस, तो इधर से करंट पास नहीं होगा, ये ओपन हो जाएगा, इधर से करंट स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं जाएगा ये ओपन, तो ये कंटिन्यू होगा। करंट का डायरेक्शन फिर से एक्स टू वाई, मतलब सेम डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा, पहला भी एक्स टू वाई बाद में भी एक्स टू वाई, सेम डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉजिटिव ऑफ साइकिल, फॉरवर्ड बायस, करंट एक्स टू वाई, आउटपुट आएगा। नेगेटिव ऑफ साइकिल, डी वन रिवर्स बायस, डी टू फॉरवर्ड बायस, तो हर बार अपने को आउटपुट मिलेगा, और हर बार करंट का डायरेक्शन एक्स टू वाई, इसलिए डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्ट करंट आएगा, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तो ये प्लस डी वन की वजह से और ये डी टू की वजह से, ये डी वन का डी टू का, डी वन का डी टू का, मतलब पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए अपर डायोड काम करेगा, नेगेटिव ऑफ साइकिल के लिए लोअर डायोड काम करेगा। समझ में आया ना, तो एक बार नोट्स बना के मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोग को और बेटर आइडिया आ जाएगा। देखो अभी नोट्स बताता हूं फुल योर रेक्टिफायर का, वन बाय वन देखो, पॉइंट वाइज लिखेंगे, इनपुट कभी भी अपर डायोड को आएगा, ये देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर डायोड के पास आने के बाद ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा और ये रिवर्स बायस में, तो ये ओपन हो जाएगा, करंट ऐसा फ्लो होगा अपने को एक्स टू वाई, तो अपर डायोड फॉरवर्ड बायस, लोअर डायोड रिवर्स बायस, सेंटर टैपिंग की वजह से। अब वही नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, when negative half cycle reaches the upper diode,
इट विल बी इन रिवर्स बायस एंड लोअर डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस ड्यू टू सेंटर टैपिंग एंड करंट फ्लोस फ्रॉम एक्स टू वाई. नेगेटिव हाफ साइकिल आया है, ये रिवर्स बायस में होगा, ये फॉरवर्ड बायस, तो करंट ऐसा आएगा अपने को, ये डायरेक्शन करंट, फिर से वो एक्स टू वाई की आएगा, ऊपर का डायोड का इसमें फॉरवर्ड बायस में भी एक्स टू वाई, नेगेटिव हाफ साइकिल का भी एक्स टू वाई, दोनों भी एक्स टू वाई होने की वजह से आउटपुट जो भी मिला है अपने को वो डायरेक्ट करंट होगा. तो एज करंट फ्लोस फ्रॉम एक्स टू वाई इन बोथ दी कंडीशंस आउटपुट ऑब्टेन्ड इज डायरेक्ट करंट. दिया है हमने अल्टरनेटिंग करंट और मिला है अपने को डायरेक्ट करंट, क्योंकि दोनों टाइम पे अपर डायोड काम कर रहा है या लोअर डायोड काम कर रहा है, दोनों टाइप पे हर बार करंट का डायरेक्शन एक्स टू वाई आ रहा है, इसलिए आउटपुट डायरेक्ट करंट ही होगा. ये अपने को वर्किंग का, तो फर्स्ट उसका पॉइंट्स का सर्किट डायग्राम और इसका वर्किंग. अब अपने को इसमें बचा है एफिशिएंसी का, तो एक एफिशिएंसी का लिखना, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपर डायोड काम करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लोअर डायोड काम करेगा. नोट पॉइंट बोल के लिखने का है. फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल्स आउटपुट इज ऑब्टेन ड्यू टू अपर डायोड एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल्स आउटपुट इज ऑब्टेन ड्यू टू लोअर डायोड. पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए अपर डायोड, नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए लोअर डायोड. डी वन और डी टू बोल के नहीं पढ़ना, अपर डायोड और लोअर डायोड बताया मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में, इधर डी टू इधर डी वन दिया है, इसलिए डी वन डी टू बोल के नहीं पढ़ना, अपर डायोड एंड लोअर डायोड. पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपर डायोड, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लोअर डायोड. तो बहुत और क्लियर आना, इधर डायग्राम में भी लिखना अपर लोअर. देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपर डायोड, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लोअर डायोड काम करेगा. तो ये लिखा था हम लोग. अब देखो अपना करंट का डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एक्स टू वाई. ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है अपने को, डायरेक्शन ऑफ करंट एक्स टू वाई रहेगा. अब एफिशिएंसी का, जैसा हाफ वे रेक्टिफायर में एफिशिएंसी लिखा था ना, वो एफिशिएंसी ईटा 0.812 RL by RL plus RF
ये एफिशिएंसी का फार्मूला, ईटा इक्वल टू 0.812 आरएल बाय आरएल प्लस आरएफ। आरएल लोड रेजिस्टेंस, आरएफ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड। तो सेम आइडियल डायोड लिया है, आइडियल मतलब फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जीरो होगा, रिवर्स बायस का रेसिस्टेंस इंफिनिटी होगा। फॉर एन आइडियल जंक्शन डायोड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस आर एफ का वैल्यू जीरो, रिवर्स रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस जीरो। तो आइडियल डायोड के लिए जीरो, ये दो कैंसिल, 81.2% आएगा। फॉर एन आइडियल डायोड फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी परसेंटेज 81.2%, मतलब बाकी केसेस में एफिशिएंसी 0.812 से कम रहेगा। इन ऑल अदर केसेस efficiency is less than 0.812, less than 0.812, efficiency का value less than 0.812, बाकी सब cases में, बाकी सभी cases में efficiency less than 0.812 रहेगा। अब 81.2% मतलब 100 वोल्ट में 81.2 वोल्ट डायरेक्ट करंट रहेगा, बाकी 18.8 अल्टरनेटिंग करंट रहेगा। तो सिर्फ डायरेक्ट करंट ही चाहिए फिल्टर सर्क्यूट्स के यूज करना। 81.2% एफिशिएंसी मींस if 100 volt AC is given, then 81.2 volt DC is obtained. Output में 81.2 DC बाकी AC रहेगा, इसलिए सिर्फ direct current होने के लिए filter circuit को use करना चाहिए। As output contains both AC and DC, to get only DC output, filter circuits must be used. लास्ट क्लास में भी फिल्टर सर्क्यूट आया ना, ये फिल्टर सर्क्यूट मतलब इंडक्टर रहेगा, इंडक्टर। फिल्टर सर्क्यूट हैज इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर का सिंबल, ये रेजिस्टेंस, ये फिल्टर सर्क्यूट।
इंडक्टर रेजिस्टेंस, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, फिल्टर सर्क्यूट ऐसा रहेगा अपने को फिल्टर सर्क्यूट का। ये फिल्टर सर्क्यूट क्या करेगा ना, अल्टरनेटिंग करंट को रखेगा अपने पास, डायरेक्ट करंट को पास करेगा, मतलब दोनों भी मिक्सचर है एसी एंड डीसी, आउटपुट सिर्फ डीसी आएगा, अल्टरनेटिंग करंट अंदर ही रह जाएगा, डायरेक्ट करंट बाहर आएगा। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का सेम फिल्टर सर्क्यूट हाफ वेव रेक्टिफायर में भी यूज होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी यही है, फुल वेव में भी यही है। तो इससे अपने को डायोड्स का खत्म हो गया है, ये सब प्रॉब्लम से एक बार सॉल्व करेंगे लास्ट में, ये सब डायोड्स का। तो वर्क बताया था मैंने दिवाली हॉलीडेज में क्या करना, तो हॉलीडेज के बाद हम लोग ट्रांसिस्टर्स का डिस्कस करेंगे।